स्टेशन साहब बोल रहे हैं सर। हो चुकी है सुबह, नई सुबह की नई शुरुआत के साथ शुरू करेंगे आज का नया ब्लॉग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्ते उत्तराखंड, पहला प्रणाम। आई होप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपन लोग भी मस्त हैं। चलिए, और मॉर्निंग का टाइम है, आज हम सुबह ही नहा धो के फ्रेश हो के बिल्कुल रेडी तैयार हो के मंदिर में दिया भी जला चुके हैं। ये देखिए, मंदिर में आज हमने दिया भी सुबह सुबह जला दिया है, और अब हो रहा है हमारा मॉर्निंग का नाश्ता तैयार। ये नाश्ता तैयार होगा, मैडम ने नाश्ता तैयार कर पराठे और सब्जी बना रखी है। ये है जी भिंडी की सब्जी, और ये पराठे हो गए, दूध हो गया, और यहाँ दीक्षिका चली गई है अपने वाले रूम पे, और ये मेरे लिए लग गया है नाश्ता। तो गाइस, करते हैं नाश्ता, नाश्ता के बाद फिर हमको जाना है दीपशिका के स्कूल में, और क्योंकि आज वहाँ बहुत छूटा हुआ जो हमारा दूरा काम है, कुछ इसकी टीसी निकालनी है, और टीसी भी निकाल के लाना है क्योंकि इसको टाइम होता नहीं है, क्योंकि ये जाती है कोचिंग, तो इसलिए आज टाइम मिल गया और निकलना है अभी इसके स्कूल को, क्योंकि फिर कल मुझे टाइम नहीं है, कल मैं निकल रहा हूँ पहाड़ को, तो फिर कब आना हो कोई फिक्स पता नहीं है, इसलिए छोटे मोटे काम निपटा के निकलते हैं और तब मिलते हैं आपको। चले निकलते हैं, इसे स्कूल जाना है, गेट लगा है। चल चलो भाई, तो ये सारे बच्चे आ गए हैं, ये मेरे सारे सब्सक्राइबर हैं, और दीपशिका के दोस्त भी हैं, और हम सभी लोग दोस्त हैं वैसे, है बेटा, और सब बढ़िया बढ़िया, और पढ़ाई ठीक चले, आगे पढ़ाई ठीक करनी है सब लोगों को, ठीक है। ये देखिए 10 बजे से वेट कर रहे हैं हम लोग, और अभी प्रिंसिपल महोदया नहीं पहुंची है, पर मैंने नहीं सोचा था कि बनाऊंगा, चलो बनाना पड़ा। पहले देखते हैं अभी 10-15 मिनट, फिर उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि काम हो पाएगा, क्योंकि आज खाली टीसी और वो जमा किया है, फॉर्म जमा किया है, लेकिन वो होगा नहीं मुझे लग रहा, तो एक हफ्ते का टाइम दिया है, हफ्ते का अंदर 10-15 दिन में ही आएगा बना, तो आज ज़रूरी था क्योंकि मैं कल निकलना है, मेरे को पहाड़ निकलना है, और बच्चों को मैं पहाड़ का सुंदर पिथौरागढ़ से लेकर नैनीताल से लेकर तमाम अल्मोड़ा बागेश्वर से लेकर तमाम पहाड़ की सुंदर वादियों से रूबरू कराऊंगा, और दिखाऊंगा पूरा हिमालयी क्षेत्र किस तरीके से हम पहाड़ में रहते हैं, हम पहाड़ के लोग हैं तो पहाड़ के बराबर मजबूत रहते हैं, और पहाड़ से ही ब्लॉगिंग करते हैं, पहाड़ की तमाम जो भौगोलिक स्थिति है, जो वहाँ का रहन सहन से लेकर पूरा खेती बाड़ी से लेकर तमाम चीज़ों को दिखाने का प्रयास अपने तमाम इन युवाओं को भी करूँगा, और यहाँ भी दिखाऊँगा। देखिए कि अभी ये देखिए, ये अभी मैम आई नहीं है, सब लोग वेट कर रहे हैं, और ये 10 बजे से सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई पहुंचा नहीं है, और देखते हैं आ जाते हैं, ठीक है, वरना हमारा भी कुछ काम था, हमारा भी काम है, क्योंकि मैम के सिग्नेचर कराने हैं, अभी सिग्नेचर हुए नहीं है, क्योंकि 10 बजे से सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, किसी का काम नहीं हुआ, बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पर हैं, युवा साथी भी हैं जिन्होंने नए कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिनको टीसी की ज़रूरत है, जिनको बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, तमाम लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, अगर प्रिंसिपल मैम आ जाती ठीक है, अन्यथा नहीं तो हम लोगों को आगे निकलना पड़ेगा। चलिए, तो आप लोग क्या क्या कर रहे हो, आपने बताया नहीं? मैं बी कॉम अंकल। अच्छा, चलिए बधाई, आप अभी एडमिशन ले रही हैं। चलिए आपको भी बधाई, क्या कर रही हो? बीएससी कर रही हूं। चलिए बधाई, अग्रिम बधाई आपको, हम भी बी कॉम करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बी कॉम शुभकामनाएँ सबको, आप सब बैंकिंग के क्षेत्र में आगे जाएँ और अच्छा काम करें, है, वेलकम वेलकम। चलो अभी चलते हैं, फिर आइए कभी पहाड़ की तरफ, आइए कौसानी अल्मोड़ा। तो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं घर पे, और स्कूल में भी आज इनके काफ़ी बहस हुई वीडियो के चक्कर में, बोला वीडियो बना रहे हो, ये कर रहे हो भाई, मैंने कहा क्या हो गया, वीडियो बना रहे हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, सही बना रहे वीडियो। तो पहुँच गए, धूप है बहुत तेज़, कुछ काम हो गया है 50% और रह गया है, और आ जाओ बेटा। अच्छा, मम्मी कहाँ है? मम्मी आराम कर रही है, ये बिल्कुल सोए हाथी की तरह यहाँ पर बहन जी। तो दोस्तों, फिर मैं आ चुका हूँ आज भंडारी जी के यहाँ पे, ये भंडारी जी का बाग है। भंडारी जी पता नहीं कहाँ हैं, आइए। तो यहाँ पर मैं हूँ, परसों भी मैंने यहाँ से आपको वीडियो के माध्यम से, ब्लॉगिंग के माध्यम से दिखाने का पूरा प्रयास किया। नमस्कार सर। राम राम सर, आइए। बढ़िया है,
तो मुझे अभी याद आया, मैं गया था दीपशिखा के स्कूल में, कुछ उसकी टीसी वीसी लानी थी। तो मैंने सोचा है कहीं भंडारी जी से बात हुई थी, मैंने कहा आज बात करूंगा करके ना वहाँ पे केनाल में एक्शन से। तो तब मेरे को याद आया, अभी मैंने कहा चलो चलते हैं, खाने की तैयारी हो रही थी, खाना बन रहा था, मैंने कहा पहले भंडारी जी के यहाँ हो आते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्लास गार्डन दिखाएंगे आपको, ये है हमारे भंडारी जी का गार्डन फर्स्ट क्लास। ये इतना बड़ा पेड़ है, ये देखिए सुंदर सा गार्डन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ अभी हमने बातें करनी है कुछ काम के सिलसिले में, और तब बात करते हैं आप लोगों से। और आप बने रहें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहें दबा के, क्योंकि गाइस हम लोग हैं अभी भंडारी जी के हवेली में, यहाँ भंडारी जी बैठे हैं ये देखिए। और ये ऑस्कर बैठा है, ऑस्कर से मिलने भी आया हूँ। ऑस्कर आ जा भाई, ऑस्कर ये ऑस्कर भी इंतज़ार कर रहा है, ये देखिए। अरे कल वो आए थे ना भोगे मक्का, बढ़िया फर्स्ट क्लास भेज रहे हो, बढ़िया टेस्ट बढ़िया आया था वैसा उनका। ये देखिए पूरा ये गार्डन भी मैंने आपको दिखाया था, इसमें मक्के लगे हैं, घोगे लगे हैं, घोगे और फर्स्ट क्लास यहाँ पर भंडारी जी बैठे हैं। अभी बात करते हैं उनसे, बात आज सफाई थोड़ी उन्होंने बोले कि कर दी पर वो होनी उसके भी रेजिंग और वो क्या कहते हैं स्लिप पड़ने ऊपर स्लिप दो भी नंबर तो बात तो कर लेते हैं। हर्षन साहब बोल रहे हैं सर? हाँ जी, डीएस भंडारी बोल रहा हूँ ना, ये से सरस्वती बिहार से। अच्छा, वो नहर के संदर्भ में वो जो पत्र दिया था ना वो, हाँ तो आपने कहा था मंडे को बात करने के लिए। क्या पत्र दिया था? ये जो नहर की रेजिंग होनी थी सफाई, तो आज होगी, सफाई वाले आए थे आज। अच्छा, वो नहर के पल्ले बिल्कुल ध्वस्त हैं, ख़त्म हैं, और ऊपर से उसमें पटाल आने हैं, तो कब तक हो जाएगा वो? उनका नंबर दे दो फिर आप। वो नहीं करेगा तो उसके उसमें बिता देंगे हम उसको, खाली कुछ नहीं, बस उसको वो होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर हम दोनों चलेंगे और क्या है। नहीं है और क्या करें। चले दोस्तों, आपने देखा सिंचाई विभाग के एक्शन से भी बात हुई, सिंचाई विभाग के एसडीओ से भी बात हुई, एक्शन ने कहा कि एसडीओ को बोलो, एसडीओ से बोला तो एसडीओ बोला कि अभी बैठक में है। चलिए 2 बजे 2:30 बजे का टाइम दे रखा है, बात करते हैं 2:30 बजे बाद, अगर काम नहीं होता तो फिर तुरंत इसमें एक्शन लिया जाएगा और तुरंत इस काम को किया जाएगा, फिर माननीय मंत्री जी के पास जाएंगे या जो भी होगा तमाम, या मीडिया के माध्यम से तमाम, जो भी जैसी कार्रवाई होगी, जैसे काम हो जाएगा इजी गोइंग, ऐसा काम करेंगे। चलिए मिलते हैं, और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।